हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यदि आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं और आप इन कोर्सेज को कंसिडर कर रहे हैं एफिशिएंट प्रिपरेशन के लिए, तो जरूर इस कूपन कोड को यूज करें, आपकी फी में और ज्यादा रियायत आपको मिल जाएगी। चलिए चलिए, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द टर्म ट्रॉपिकलाइजेशन की। ये न्यूज में रही है, रिसेंटली एक स्टडी आई थी इसलिए ये टर्म न्यूज में थी। इट इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ऑप्शंस देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज टू मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। दूसरा, ब्लैक सी को ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट माना जाता है क्योंकि वहां पे इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्पीशीज हो रहा है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको। आपका करेक्ट ऑप्शन है ओनली वन। अब ना एक बड़ी सिंपल सी चीज आप समझिए कि जिस भी जोन की जो भी स्पीशीज है वो वहां पे क्यों है, राइट? ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी एक्लिमेटाइज हो चुकी है वहां के इकोसिस्टम से, है ना। ट्रॉपिक्स में अलग इकोसिस्टम होगा, टेम्परेट में अलग इकोसिस्टम होगा, राइट? तो यही चीज हो रही है कि अगर हम इन जनरल बात करें, लेट्स से अगर हम ट्रॉपिक्स की बात कर लेते हैं, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन की बात करें, तो इनकी कुछ अपनी स्पेसिफिक स्पीशीज है जो यहाँ के इकोसिस्टम के साथ एक्लिमेटाइज्ड है, राइट? अब आप ये समझो कि ट्रॉपिक्स में पानी ऑफ कोर्स ज्यादा वार्म होगा एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स, है ना। इंसुलेशन यहाँ पे डायरेक्ट है, राइट? और वैसे भी हमें पता है सन की डायरेक्ट जो ओवरहेड होने की जगह है वो ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, तो यहाँ पे पानी वार्म होगा तो यहाँ की स्पीशीज वैसे ही एक्लिमेटाइज होगी, है ना। अब आप टेम्परेट जोन में जाओगे, सन की इंसुलेशन कम हो रही है, वहां पे टेम्परेचर पानी का थोड़ा सा कम होगा और वहां की स्पीशीज वैसे ढली हुई होगी, राइट? ये आम जिंदगी है। अब कंसिडर दिस विद ग्लोबल वार्मिंग, राइट? कि अब क्या होगा, लेट्स से कि टेम्परेट जोन्स के पानी की बात करें वो भी वार्म होते जाएंगे, ओशंस भी तो इस वार्मथ को, इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट? तो आम जिंदगी में तो जो आपकी ट्रॉपिकल स्पीशीज थी वो सारी यहीं पे है क्योंकि वो उस टेम्परेचर को एक्लिमेटाइज है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेट का पानी भी वार्म होता जाएगा, यहां पे अब जो ट्रॉपिकल की स्पीशीज है वो भी तो आगे बढ़ती जाएंगी, उनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है अब वार्मो वाटर में जाने की जो कि टेम्परेट जोन्स में भी अवेलेबल है। तो वही वो कह रहे हैं कि ये तब होता है जब मास मूवमेंट होगी ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज की फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन से अब वो टेम्परेट जोन्स में भी जो है जा सकती है, बिकॉज अब टेम्परेट जोन का पानी भी वार्मर हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पर यहां पे एक चीज याद रखना, ये सिर्फ मरीन स्पीशीज के लिए यहां पे एप्लीकेबल है, राइट? दिस ओनली टॉक्स अबाउट ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज। और जहां तक ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट की बात है कि इस जोन में इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्पीशीज हुआ है, तो ब्लैक सी नहीं, ये मेडिटेरेनियन सी की बात हो रही है, तो आपने मेडिटेरेनियन सी को याद रखना है। तो अगर एज अ टर्म भी आपको ट्रॉपिकलाइजेशन आप प्री में पूछ लेते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें और याद रखें कि ये मास मूवमेंट है स्पीशीज की टूवर्ड्स अदर जोन्स की, इक्वेटर से पोल्स की तरफ। बेसिक हमेशा आपने यही सोचना है, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। और फैक्चुअल डेटा में भी आप मेडिटेरेनियन सी को याद रखें, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओरन, राइट? रिसेंटली मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया था, राइट? ओरन से एसोसिएटेड सिग्निफिकेंस देखनी है आपको, राइट? अब यहां पे देखिए, दे सर्व एज क्रिटिकल हैबिटेट्स फॉर न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दे आर एसोसिएटेड विद लोकल डीटीज एंड कटिंग और फेलिंग ऑफ ट्रीज हियर इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू देयर रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ओरन्स आर यूटिलाइज फॉर लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग एंड सर्व एज ए वेन्यू फॉर कम्यूनल गैदरिंग, फेस्टिवल एंड सोशल इवेंट। सो यहां पर मैं आपको इस चीज पे समझाना चाह रही हूं, इसलिए मैंने तीनों पॉइंट्स दिए और मैं आपको बता दूं तीनों ही सही है, राइट? अब ओरन क्या है, राइट? मैंने कई बार आपको ये चीज बताई है, सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं कुछ, राइट? सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? अब राजस्थान में ओरन की बात हो रही है, राइट? अब सेक्रेड ग्रूव्स क्या होती है? पैचेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, राइट? अब ये पैचेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज आप देखोगे यूजुअली ये किसी लोकल डीटी से एसोसिएटेड होंगे, किसी ट्री स्पिरिट से एसोसिएटेड होंगे, बड़ा ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है इनका। तो जिस भी कम्युनिटी से ये जुड़े होते हैं उस कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के अंतर्गत रहते हैं क्योंकि उनके लिए ये सेक्रेड ग्रोव होते हैं,
राइट, उनके लिए बड़ी ऑस्पिशियस जगह होती है। तभी आप देखोगे राजस्थान में जब भी इन सेक्रेट ग्रूव्स का कभी भी जिक्र होगा कि सरकार लेट्स से इनको कोई और स्टेटस देना चाह रही है दान सेक्रेट ग्रूव्स, तो बड़ी जो है न्यूज में रहती है। जैसे आपने सुना भी होगा ओरण बचाओ यात्रा, राइट right? तो अब ये रिसेंटली न्यूज में क्यों थी, बिकॉज सरकार चाहती है, प्रपोजल है राधा, सिर्फ प्रपोजल है अभी, कि जो ये ओरण है, जो सेक्रेट ग्रूव्स है राजस्थान के, इनको हम डीम्ड फॉरेस्ट की तरह जो है क्लासिफाई कर दें। अभी हुए नहीं है, सब प्रपोजल है। तो कम्युनिटीज ने काफी रोष प्रकट किया है इसकी तरफ कि डीम फॉरेस्ट नहीं क्लासिफाई होने चाहिए, इनको सेक्रेट ग्रूव्स ही रहना चाहिए। अब डीम फॉरेस्ट क्या होते हैं, डीम फॉरेस्ट क्या होते हैं, वैसे तो फॉरेस्ट लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है, बट इनका जो जिक्र है एक जजमेंट में होता है जहां पे वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट वाला जोन राइट जैसा भी दिखता हो राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी ओनरशिप क्या है, उसको कंजर्व करना चाहिए राइट right? और ये कह रहे हैं कि डीम्ड फॉरेस्ट वो जगह है जो कि फॉरेस्ट जैसी क्लासिफाइड ऑन पेपर नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट जैसी ही दिखेगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि इनको भी डीम्ड फॉरेस्ट जैसा क्लासिफाई करते हैं सो दैट इवेंचुअली और कंजर्वेशन हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की कम्युनिटीज इसके फेवर में नहीं। मैंने आपको बताया ओरण जो है बचाव यात्रा भी पिछले साल भी न्यूज में थी राइट right? अब यहां पे जो एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूं, ओरण की जब हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, एक तो इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे इनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होगी। कैसे, ये क्रिटिकल हैबिटेट है फॉर सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी सोशल सिग्निफिकेंस भी है कि ओरण को आप देखोगे कम्युनल गैदरिंग्स फेस्टिवल्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब अगर आपको सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप उस चीज को बता सकते हो। मान लीजिए सेक्रेट ग्रुप से मेंस में क्वेश्चन आ गया और आपको कोई एग्जांपल देना पड़ा, आप ओरण का भी वहां पर एग्जांपल दे सकते हैं। तो प्री और मेंस दोनों के लिए हमने प्रिपेयर कर लिया। तीसरा देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन प्लान फॉर बिल्डिंग्स राइट, ये कहां पर लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है मैं आपको बता दूं नागपुर में। तो बेसिकली ये ऐसी बिल्डिंग्स बनाने की बात हो रही है। देखो जीरो कार्बन बिल्डिंग का क्या मतलब है कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाने की बात हो रही है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ध्यान रख के बनाई जाए, बेसिकली नेट जीरो एमिशंस की तरफ इसकी बात हो रही है। और इंडिया का पहला सिटी स्पेसिफिक इनिशिएटिव है कि नागपुर में जितनी जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरह से इंजीनियर किया जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का ध्यान दिया जाए, है ना। मान लीजिए प्लान में मॉडिफिकेशन हो सकती है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या डीकंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग का जो भी लाइफ साइकिल है उसमें हर स्टेज पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का ध्यान रखा जाएगा। ये जो है प्लान लॉन्च हुआ है नागपुर में। अब ऐसे क्यों हुआ है पता है, यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो है नागपुर के ग्रीन हाउस गैस एमिशन के 56% के लिए रिस्पॉन्सिबल थी इन द ईयर 2017-18। यहां से बात हुई कि अगर 56% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन बिल्डिंग से हो रहे हैं, देयर हैज टू बी सम प्लान, तभी इस प्लान को लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, याद रहेगा, चलिए नागपुर याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है और रियायत मिल सकती है फी में, जरूर आप इस कोड को यूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी टेस्ट सीरीज से सवाल है, अब मैं इसमें आपको थोड़ा एडिशनल कंटेंट भी बताऊंगी। तो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया की बात है, तो इट इज रिलीज्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और डिटेल्स क्या देंगे, जैसे नाम से पता लग रहा है लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स इन द कंट्री। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मिजोरम में हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स है इन द लास्ट 25 years। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, आपका करेक्ट आंसर है 2 ओनली राइट, कि बिल्कुल मिजोरम में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स है, लेकिन ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज नहीं की है, बल्कि आप देख सकते हैं इसरो ने रिलीज करी है। और आप देखोगे कि बहुत सारे रीजन्स में यहां पे लैंडस्लाइड की बात होगी, जैसे हिमालयन रीजन की बात कर लेते हैं हम, साउदर्न रीजन्स में बात करें राइट, तो केरला की बात हो सकती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मिजोरम जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है।
अब ना कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी आता है, देखो लैंडस्लाइड को ऐसे इमेजिन कर लो, क्वेश्चन आता है हिमालय क्यों प्रोन टू लैंडस्लाइड्स है, मेंस में एक बार पूछा भी हुआ है। अब सबसे पहली चीज आप समझो, दिस इज हाउ यू इमेजिन, है ना, कि पहाड़ है और पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले जरूरी है कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई ना कोई लेट से इवेंट तो हो रहा है ना जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो रही है। तो इवेंट क्या हो सकता है, जैसे आपको पता भी है कि जब भी हम हिमालयस की बात करते हैं, हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का। और मैंने कई बार ये चीज बताई है कि जब हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को लेते हैं तो बीच में है आपका जियोसिंक्लाइन, राइट, जियोसिंक्लाइन था। अब इसमें क्या थे, डिप्रेशन थे, बहुत जो डिप्रेशन था उसमें सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स के साथ बहुत सारा पानी था, राइट। अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्लेट्स पास आती गई पानी तो फ्लश आउट हो गया, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, सेडिमेंट्स ने उठ के हिमालयस को बनाया। अब यहां पे समझो कि अभी भी आपको पता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करती जा रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरह की ऐसी है कि दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी मूव कर रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, तो बहुत ही ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, टेक्टोनिकली एक्टिव रहेगा तो ऑफकोर्स प्रोन टू लैंडस्लाइड रहेगा। दूसरी चीज समझो, अब यहां पर आपको पता है टोपोग्राफी ऐसी है, हिल्स हैं, स्लोप्स हैं, इसलिए और प्रोन टू लैंडस्लाइड्स है कि कोई भी इवेंट हुआ, लेट्स से टकराव का इवेंट हुआ अगर प्लेट्स का, तो लैंडस्लाइड्स पहाड़ होने की वजह से, स्लोप होने की वजह से लैंडस्लाइड की और प्रोबेबिलिटी बनती है, राइट। तीसरी चीज समझिए, अब इसी में यदि प्रेसिपिटेशन हो जाए, है ना, मान लीजिए बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए, जैसे आप देखते भी हैं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, सडन बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, उससे भी ये प्रोन टू अर्थक्वेक की जगह हो जाती है। ऑल्सो यही नहीं, आप देख सकते हैं जियोलॉजिकली वीक मटीरियल, राइट, डू यू रियलाइज कि ये सारा कुछ बना तो सेडिमेंट से ही है, सेडिमेंट जो कि वीक सेडिमेंट्स माने जाते हैं, राइट। तो क्या होगा कि जैसे ही यहां पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ये जो सेडिमेंट से चीजें बनी है, बिकॉज इट्स वीक जियोलॉजिकल मटेरियल, राइट, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर जो है ये वीकनेस से डिफाइंड है, बिकॉज आप देखो ध्यान से, ये बना तो सेडिमेंट से ही है यहां पे, राइट, इसलिए भी सेडिमेंट्स वीक होने की वजह से भी इजीली ये चीज नीचे आ सकती है। और इमेजिन करो कि स्लोप भी है, बारिश भी हो रही है, टेक्टोनिकली एक्टिव भी है और सेडिमेंट्स भी वीक है, तो ऑफ कोर्स यहां पे दिस जोन वुड बी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉल्ट्स भी होंगे, राइट, कई बार आपने पढ़ा होगा कि टेक्टोनिकली एक्टिव जोन्स की जब आप बात कर रहे हैं, प्लेट्स की बात करें, प्लेट्स में वीक स्पॉट्स होते हैं, राइट, और उन वीक स्पॉट्स को फॉल्ट्स कहते हैं। तो जहां जहां ये फॉल्ट्स होंगे, वीक स्पॉट्स होंगे, वहां पर भी आपका लैंडस्लाइड जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर आपको मेंस में पूछ लिया जाए कि व्हाई हिमालयस आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, आपके पास आंसर है, प्री में पूछ लिया जाए तब भी आंसर है। इस पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लैरिटी से और अपने पास रख लीजिए, मेंस का भी एक क्वेश्चन आपका प्रेप हो गया यहां पे, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एक स्पेसिफिक ट्राइब न्यूज में रही है, कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, आपका आंसर है ब्राजील। ये जो ट्राइब्स न्यूज में रहती हैं, राइट, इन पे जो है आप जरूर फोकस करें कि एटलीस्ट इनके नाम आपको पता हो जो इंडिया के बाहर की ट्राइब्स हैं। अब ये ब्राजील वाली ट्राइब न्यूज में क्यों थी, राइट, ये न्यूज में इसलिए थी, यहां पे एक न्यू लैंड बिल की बात हुई है। यहां पे बोला जा रहा है कि ट्राइबल पीपल कैन गेट रिकॉग्निशन ओनली फॉर द लैंड दैट दे हैव बीन ऑक्यूपाइंग सिंस बिफोर देयर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन 1988, राइट, तो ईयर डिफाइंड कर दिया और कह दिया कि ट्राइबल पीपल कैन गेट रिकॉग्निशन ओनली फॉर द लैंड दे हैव बीन ऑक्यूपाइंग सिंस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री केम इनटू इफेक्ट इन 1988। तो इसके अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रही है ये स्पेसिफिक ट्राइब। तो ये न्यूज में एक स्पेसिफिक चीज थी, इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन यहां पर दिया है, राइट। तो जो भी चीजें न्यूज में रही हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें सीखी हमने और हमेशा की तरह कंट्रीब्यूट करते रहेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।